हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई से घी निकालने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लगभग 10 दिनों से जमा की हुई मलाई इकट्ठा की है। आपको मलाई इकट्ठा करते समय बस एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहले या दूसरे दिन जब आप इसे अलग करते हैं तो आपको इसमें एक चम्मच दही डाल देनी है। इससे आपकी मलाई महीनों तक ख़राब नहीं होती है और घी भी अच्छी बनती है। साथ ही मैंने लिया है आइस क्यूब्स। तो चलते हैं, हम घी बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई को मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था और जब आपको इससे घी निकालना है तो आपको इसे 4 से 5 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है। मैंने भी इसे ऐसा ही किया। अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसे और भी सॉफ्ट बना लूँगी। ऑलरेडी मैंने इसे बाहर निकाल कर रखा है। जब आप इसे जमा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो हमें इसे नरम बनाने के लिए इसे कुछ देर बाहर छोड़ना है। और अब हमें इसे स्पून की हेल्प से मिलाते रहना है, इसे फेंटते रहना है एक ही डायरेक्शन में। मैं इसमें अभी आइस क्यूब भी ऐड करने वाली हूँ। आइस क्यूब ऐड करने से ये मलाई से मक्खन और छाछ दोनों जल्दी से अलग हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2 मिनट इसे अच्छे से फेंटने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अब इस पानी के साथ मलाई को फेंटना है। यदि आपने इसमें मलाई स्टोर करते समय में दही नहीं डाला है तो आप अभी इसे फेंटते समय में भी इसमें दही ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, और इसे बना सकते हैं। हमें इसमें आइस क्यूब डालते रहना है और इसे तब तक फेंटना है जब तक कि मक्खन और ये मट्ठा, ये जो हमें दूध जैसी चीज़ दिख रही है, ये दोनों हमें अच्छी तरह से अलग कर लेना है। तब तक हमें इसे फेंटना है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसे फेंट सकती हैं, उसमें भी आराम से हो जाएगा। ये देखिए, इसे अच्छे से हमें फेंटने के बाद ये मक्खन हमारी बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गई है और ये मट्ठा अलग हो गया है। आप इस मट्ठे से कढ़ी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे एक बाउल में अलग कर लेती हूँ। ये हमारी मक्खन रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ठंडा पानी एक बार डाल देती हूँ और इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मतलब आपको इसे साफ़ करना है, ठंडा पानी आप इस पर डालेंगे बस, और उसके बाद इस पानी को हमें फेंक देना है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके उस पानी को फेंक दिया है। आप चाहें, मैं तुरंत बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ठंडा पानी डालकर इसे साफ़ कर लिया। आप यदि इसे 2 घंटे बाद बनाना चाहते हैं तो आप इसमें वो पानी रखकर इसे फ्रिज में वापस रख दें और उसके बाद आप 1 घंटे बाद देखेंगे कि ये मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगती है। चलिए अब हम लोग इससे घी निकालना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पैन को गर्म करना है। पैन हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ये मक्खन जो हमने बनाई है वो डाल देते हैं। आप यदि इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मक्खन से भी घी बना सकते हैं, लेकिन मुझे छाछ की ज़रूरत थी इसलिए मैंने मक्खन और मट्ठे को अलग कर लिया और अब मैं इसे घी बना रही हूँ। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसे चलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। ऐसे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है तो ये नीचे लगेगी नहीं, और इसे चलाते रहने पर इससे नीचे लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये देखिए, मक्खन में से घी रिलीज होना शुरू हो गई है। हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है। कई बार हम इसे छोड़कर चले जाते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं, इससे हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है। ये 5 मिनट में रेडी हो जाती है।
इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल शुद्ध घी की। और ये मावा अलग होने लगा है घी से, हमें इसे डार्क करना है। देखिए इसकी कलर भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए हमारी घी पूरी तरह से रिलीज हो गई है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म रहती है, तो ये जो भी बची हुई होगी वो भी इसी में हो जाएगी। लेकिन यदि हम फ्लेम को ऑन रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और घी का रंग भी चेंज हो जाएगा। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। चलिए हम इसे स्टोर कर लेते हैं। ये अभी थोड़ी सी गर्म है, इसलिए मैं इसे स्टील के बर्तन में निकाल रही हूँ और स्टील की ही स्ट्रेनर भी यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें बहुत ही सावधानी से निकाल लेना है। बाद में इसे ठंडा करने के बाद आप इसे कांच की जार में शिफ्ट कर सकते हैं। और इस तरह से लास्ट में हमें प्रेस करके जो भी घी इसमें से निकलने वाली है वो निकाल लेना है। और ये हमारी घी बनकर रेडी हो गई है। आपको यदि इसे बनाने का मेरा तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।